नमस्ते हरीश जी, कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया मैडम। आप सुनाओ, आप कैसे हो? दिल्ली मैं ठीक हूँ। अभी दिल्ली में है या कहीं घूम रहे हैं अभी? में हूँ जी, मेरे को कहाँ जाना अच्छा, है। अब बताइए, कहाँ देखा, कैसा रहा, कहाँ बहुत पवन और बड़ा रहा, बेला? हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रहा। और हरिद्वार में था, लास्ट दिन तक कंफ्यूज था कि जाऊं कि नहीं जाऊं। बस अरे क्यों? फिर कुछ संडे था नहीं, संडे को छुट्टी होती है मेरी, तो हाँ वर्किंग डे था, हाँ तो कुछ काम भी थे ऑफिस में। बस फिर कंफ्यूज था, फिर तिवारी जी से बात हुई और उन्होंने बड़ा मेरे को खुश किया कि भैया चला जा चला जा, तेरे घर के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो कितना दूर पड़ता है बस वैसे? अच्छा, हमारे यहाँ से हरिद्वार अराउंड 250 किलोमीटर है, तो लगा लो 5 घंटे का रास्ता है। हाँ बाप रे, फिर भी 5 घंटे का जी, है ड्राइव। कुछ भी नहीं है पवन के लिए, तो 5 घंटे क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो बताइए, जी मिलना जी कैसा रहा उन लोगों से? मिलना अच्छा रहा। एक्चुअली मेरे को लास्ट तक कंफ्यूज था कि ऋषिकेश में है या हरिद्वार में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो पवन के कुछ फ्रेंड सर्कल वाले हैं उनसे पूछा, वो बोले ऋषिकेश में है। एक वो कापरी जी हैं, हाँ, उनसे भी पूछा, वो भी बोले ऋषिकेश में है, लेकिन बैनर पे हरिद्वार का लिखा हुआ था। फिर मेरे को एड्रेस भी प्रॉपर पता नहीं था। फिर अर्पिता जी को मैंने फोन किया, उन्होंने फिर मेरे को एड्रेस भेजा, लेकिन कंफ्यूज था कि पवन का जो ब्रदर है वो कह रहा है ऋषिकेश में है। फिर मैंने कहा चलो चला जाता हूँ एक बार ही, देखी जाएगी, हरिद्वार से ऋषिकेश भी नजदीक ही है। फिर हरिद्वार चला गया, मेरे को टाइम का भी नहीं पता था, तो मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे पहुंच गया था, अच्छा, लेकिन उनका प्रोग्राम था शाम को 7 बजे का। ओहो, हाँ, बस फिर सारा दिन कीर्तन संगीत देख सुनता रहा उनके, साधु बाबा लोगों के, कुछ अच्छा ही पल्ले पड़ा। अच्छा, क्या क्या किया, क्या किया? मतलब सुबह के टाइम तो कीर्तन वगैरह था, फिर इन सबको फोन किया, अरुण का फोन मेरे को मिल ही रहा था, चॉकलेट सर को मैंने फोन किया, वो बोले मैं तो अभी इंडिया में नहीं हूँ, तो हाँ, वो नहीं थे, करेक्ट। मैं भी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी उनसे मिलने के लिए। फिर मैंने पारस को फोन किया, फिर पारस ने कहा कि अभी वहीं जाके पता चलेगा, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। ऐसे ही अरुण जी ने भी ऐसे ही बोला, जो उनके ब्रदर है, कजन है, वो भी बोले कि आप आ जाना, वहाँ देखते हैं क्या होता है। फिर तिवारी जी ने भी 2-3 लोगों से बात की हुई थी, उन्होंने तो मेरे को बहुत पुश किया, बोले यार तू चला जा, जाएगा तो वहाँ कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, नहीं हाँ, जाने से तो कुछ भी नहीं होगा। करेक्ट। बस चला गया, फिर बार बार उनका फोन आ रहा था कि कुछ हुआ, कुछ मिला, कुछ रिपोर्ट आई, कुछ पता चला। फिर मैं कहा तिवारी जी, मैं तो सुबह से शाम हो गई, अब तक ऐसे ही बैठा हूँ। फिर बोले कोई सीट पकड़ के बैठ जाओ अंदर, कहीं भीड़ हो जाएगी बाद में, तो सीट बैठने के लिए भी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन फिर एन मोमेंट पे पारस मेरे को मिल गया था, जब उनका वो होता है साउंड चेक होता है, फिर पारस ने मेरे को बुला लिया था अपने पास ही। फिर पवन लोग सब शाम, मतलब समझ लो 8 बजे के करीब ये सब लोग आए, 7:30 बजे के करीब। फिर इनके साथ इनका एक कोई ग्रीन रूम होता है जहाँ ये लोग सब बैठते हैं, हाँ जी, हाँ जी, स्टेज के साथ होता है ना। हाँ, बस फिर अरुण जो है वो भी साथ में आ गया था, वो मेरे को वहां ले गया, कुछ पवन के लिए, मैं कुछ ड्रेस वगैरह ले गया था पवन के लिए भी और अरुणिता के लिए भी। तो बस फिर वहां मेरे को ये है कि सुबह से शाम तक वेट जरूर कराया पवन ने, लेकिन जी भर के बातें करी, 2.5 घंटे बैठा उसके साथ पूरा, अरे बाप रे, मतलब अच्छा, पेट अरे भर गया समझ लो। वाह, क्या बातें हुई फिर? बस यहाँ वहां की बातें हुई, अरुणिता जी को मैंने थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन किया, मैं कहा आपका 2 मिलियन हो गए हैं आपके व्यूअर्स, तो इतने में पवन पीछे से बोला कह रहा है इसका बढ़ता जा रहा है, मेरे घटते जा रहे व्यूअर्स। बस फिर यहाँ वहाँ की बातें हुई, फिर पवन के लिए शर्ट ले गया था। फिर उनको मैंने बोला, मैं कहा दादा आप डालते तो हो नहीं हो, मैं उसी टाइम उन्होंने टी शर्ट उतारी और शर्ट डाल ली मेरी। अरे वाह, हाउ स्वीट। हाँ, तो बोले मैं शो मत नहीं डालूंगा लेकिन आपको डाल के दिखा दी। फिर बैठे रहे वहां, यहाँ वहां की बातें होती रही। फिर उनको मैंने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई, उनका जो पुराना घर था जहाँ मैं गया था एक बारी, वो फोटो दिखाई। फिर उन्होंने अपने कैमरे से मेरे कैमरे की उनकी फोटो खींची, कि मेरे पास पुराने घर की कोई फोटो नहीं है, तो ओ वो करके वो फोटो ली। फिर उनका गिटार पड़ा था, उनको गिटार को मैं ऐसे देख रहा था, तो पवन बोला गिटार डालो मैं आपकी फोटो खींचता हूँ। अच्छा, मैंने कहा मेरे से कहीं टूटा ना जाए, बड़ी डेलिकेट चीजें होती हैं। बोले कुछ नहीं होता, अच्छे से पकड़ ले, कुछ नहीं होता। बस यहाँ वहाँ की बातें होती रही। तो उनसे कुछ गाना वाना सीखा कि नहीं आपने?
गाना कहाँ गा, उनका तो मैं क्या गाना सीखूं, वो तो भगवान है, उनसे क्या सीखूं। लेकिन अच्छा ओके बहुत लगा, अच्छा बहुत लगा, मजा आ गया बहुत। वो तो है, वो तो अच्छा ही लगता है, उससे जब भी मिलते हैं मजा ही मतलब आता दो है। ढाई घंटे आराम से, मतलब जो मेरी फोटो अनीता जी के साथ है वो भी पवन ने ली थी, जो ओहो गिटार के साथ है वो भी पवन ने ली थी, और उसने एक सेकंड नहीं लगाया अपनी टी शर्ट उतारने में, मेरी शर्ट डालने में। मतलब हालांकि उसने शो पे तो अपनी टी शर्ट ही डाली, लेकिन डाल के मेरे को दिखा दिया, बोले देख डाल ली ना मैंने, आप कैसे डालते नहीं है। वो तो है, बस वो बिल्कुल ऐसा कोई भी मतलब मैं अहंकार वो नहीं खड़े है। हुए थे तो मैं बैठा नहीं था, मैं भी खड़ा ही हुआ था, चेयर तो रखी थी वहां बहुत सारी, फिर बोले बैठ जाओ, मैं कहीं दादा आप खड़े हो तो मैं कैसे बैठ जाऊँ। अरे वो रे फिर चेयर लेके आए स्पेशल मेरे लिए, मेरे को बिठाया, फिर वहाँ ओहो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक रखी थी, खाने पीने का सामान लेके आए, फिर उनने भी मतलब मेरे साथ कोक वगैरह पी, मैंने भी पी, मतलब पानी की बोतल किसी ने लेके आना, कोक की बोतल लेके आना और खोल के उसको दे देनी, हाँ समझ बिल्कुल रहे हो ना बात को, कितना हम्बल बंदा है यार, बिल्कुल बिल्कुल बस इसी पे मरते हैं और कुछ नहीं। ये बात तो है, मेरे को तो उसकी बस स्माइल ही बड़ी अच्छी लगती है। बस एकदम बस बस बच्चे जैसी स्माइल है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अरुणिता जब गा रही थी तो पारस गिटार बजा रहा था, फिर पवन और हम अंदर, मतलब मैंने तो डांस नहीं किया, पवन डांस कर रहा था अंदर गिटार की बीट के ऊपर ना, मेरे को भी करके दिखा रहा था कि आप भी खड़े हो जाओ, अब मेरे को शर्म आ रही थी, मैं यार मैं तो डांसर अच्छा कैसा डांसर है पवन? अच्छा तो बहुत डांसर बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पवन तो ऑलराउंडर है, उसका कोई तोड़ नहीं है, वो तो ऑलराउंडर है, बहुत बढ़िया आदमी, अच्छा वाह। लगा बहुत। अरुणिता वैसे ही शांत और शर्मीली हाँ बस, रही, या इस बार हाँ थोड़ा सा बस और बातचीत हुई? बस थोड़ा सा ज्यादा अनुज से बात हुई नहीं मेरी एक्चुअली, उनको मैंने ऐसे बोला कि आपके 2 मिलियंस हो गए, उन्होंने भी थैंक यू धीरे से बोल दिया, फिर मैंने भी ज्यादा बात नहीं की, बस एक दो फोटो वगैरह लिए उसके बाद, लेकिन बैठा रहा उनके साथ में वो थोड़ी सी उनके। शर्मीली है वो, मुझे भी, मेरे हाँ साथ तो नहीं फिर लेकिन बाकियों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप वो तो मैम, शर्मीली आपकी तो बात ही अलग है, मैं क्या बताऊँ, उनको तो जलन होती है कभी कभी यार, किसी बताऊँ तो। अरे आप भाई मेरे से क्या जब जलन। मर्जी मिल लेते हो उनसे, आपका जब मन करे तब मिल लेते हो, अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता यहाँ है। तो मीनू लग जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं, मुझे भी बहुत मिलने की इच्छा होती है लेकिन हर बार नहीं मिल पाती हूँ। आपकी चीजें भी लाकर रखी रहती है, जैसे अभी टी शर्ट भी है वो भी लाकर रखा, अब जब मैं मिलूंगी तब दूंगी उनको। मेरा भी जी। रेगुलर नहीं होता है मिलना। और आपने कॉन्सर्ट देखा फिर? हाँ कॉन्सर्ट देखा, फिर जैसे थोड़ी देर के बाद फिर मैं इधर ही आ गया था, फिर बाहर वो लोग खड़े थे बहुत सारे ना, बाउंसर लोग खड़े थे, वो हाँ, अब किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे थे, फिर अच्छा हाँ मैं 5 मिनट के लिए बाहर चला गया, मैं कहा यार देखता हूँ, फिर बाहर आके फिर मैं अंदर आया तो किसी ने मेरे को रोका नहीं, पवन तो सामने ही बैठा था, तो पवन को पहले बाउंसर ने देखा कि ये, फिर पवन ने कहा इनको तो आने तो कोई बात नहीं, मतलब अच्छा लगा। फिर शो भी उनका देखा, उनका शो तो एज यूजुअल हमेशा बहुत सुपर हाँ डुपर रहता ही है, वेरी ट्रू कोई चीज मतलब कुछ है ही नहीं, बिल्कुल। अच्छा वो वहां पर जो बस। माहौल था, वहां पर सारा भगवान वाला माहौल था चूंकि, तो हाँ, वो एक्चुअली कोई सत्संग था वहां पे, कोई अच्छा गुरु माँ थी, कोई उनको कुछ 5 साल हुए थे या 1 साल हुए थे, मेरे को उतना अच्छे से ध्यान नहीं है, तो अच्छा लेकिन वो सत्संग शुरू हुआ था, तो जाते 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 आप लगा लो 30 40 50 लोग रह गए थे, जब वो अच्छा उठने तो मेरे को बड़ा फील हो रहा था, मैं कह यार पवन सामने गाएगा और सामने 30 40 लोग बैठेंगे, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, पूरा खचाखच पैक हो गया बिल्कुल, देखो मतलब जहां तक कहाँ से आ खरी गए जी, और मुझे लगता है पवनदीप ऐसा कलाकार है कि जो सामने अगर 10 लोग भी होंगे तो उन 10 लोगों के लिए गा देगा, वो अब मैडम सोचेगा बारिश भी नहीं। इतनी, मैं दिल्ली से निकला था और अगले दिन तक जब मैं घर आया हूँ तब भी झमाझम बारिश हो रही थी, उनका अच्छा टेंट वगैरह अच्छा था, वाटरप्रूफ था, अंदर पानी नहीं आ रहा था, लेकिन लोग बिल्कुल भीगे हुए थे, छतरियां भी नहीं थी, और आके बैठ के देख रहे थे, तो मतलब फुल एंजॉय कर रहे थे, देख के रहे थे, पूरा एंजॉय कर रहे थे, और बिल्कुल मतलब सीटें भी चेयर भी खत्म हो गई थी और लोग पीछे स्टैंडिंग में भी खड़े थे, भीड़ तो रहती है, पवन जहाँ जाएगा वहां नहीं भीड़ होगी तो और कहाँ होगी, तो भीड़ बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल रहती है, पवन और अनिता दोनों के लिए तो उनको तो सलाम है हमेशा, ये बात पता नहीं किस तो मिट्टी के बने यार, समझ ही नहीं आती यार क्या।
करके रखा हुआ है इन्होंने तो। हाँ ये तो मैं भी मानती हूँ। तो किसी सुनने वाले श्रोता वहां जो खड़े थे, किसी से बातचीत हुई आपकी? मेरी ज्यादा किसी से बात हुई नहीं, मैं तो बस उनको देखने में ही लगा रहा। फिर उसके बाद मैं चला गया था, जैसे ही वो लोग वहां से उधर बाहर निकले यहाँ से मैं आउट हो गया था। मैंने अच्छा। वापसी का, मैं एक्चुअली अकेला था तो मैं यहाँ से बस पे गया था, दो चार लोग होते तो मैं अपनी गाड़ी ले जाता, लेकिन अकेला था, वर्किंग डे था तो किसी की छुट्टी थी नहीं, तो मेरी वापसी की बस की टिकट भी कैंसिल हो गई। मैं कहा यार शो पूरा देख के अरे जाऊंगा साला, अच्छा बस तो दूसरी मिल जाएगी, ये हाँ जल्दी से नहीं मिलेंगे दोबारा। अच्छा, आपके घर वाले आप बार बार पवन के लिए चीजें लाते हैं या कुछ लेने जाते हैं या मिलने जाते हैं, तो घर मैडम वाले मैं जिद नहीं क्या करते कि हम बताऊं, भी चलेंगे? मैं क्या बताऊं, मैंने अपने पार्टनर को ये बोला कि मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने आप तो ये झूठ बोला बोल ही नहीं, गई है। झूठ क्या, वो तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं तो उनके लिए। तो वो मैंने घर में भी ऐसे ही बोला कि मैं, उसको अपने पार्टनर को बोला कि मेरी सिस्टर की तबीयत खराब है, घर में बोला कि मैं अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहा हूँ। फिर बाद में जब फोटो वगैरह दिखाई तो बोले यार तू सुधरेगा नहीं। मेरे हे को ये था मेरी भगवान, सिस्टर देखिए ना आ आपको जाए यहाँ पे। तो नमन है। लास्ट ऐसे टाइम आप हाँ डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में घुस गए थे। जी हाँ जी हाँ जी, मेरे को मौका मिले मैं तो कहीं घुस जाऊंगा। ये तो मेरे को पता भी नहीं था कि ये लोग मोदी कहीं आए हुए थे, मैं भी जैसे ना कैसे करके, चाहे अच्छा बाद में धक्के देके बाहर निकाल दे मेरे को, एक बार तो मैं अंदर घुस ही जाऊंगा। अच्छा जी पवन ने ना बहुत अच्छे अच्छे लोग कमाए अपनी जिंदगी में, उसमें आपका नाम बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पवन के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता ओके। और उसके अलावा फोटो वोटो खिंचाया घर पे, और क्या बोल रहे हैं दोस्त, और क्या बोल रहे हैं? हूँ। बस सबको अपने सर्कल में फोटो दिखाया, सबको, सब हैरान हो रहे हैं, कह रहे हैं वाह यार ये कहाँ लिया, ये कहाँ लिया। वो मैंने फेसबुक में डाला नहीं, मैं कहा मेरे पार्टनर के पास चला जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने भी फेसबुक में इंस्टा पे कहीं नहीं डाला, जो अपने दोस्त है उनको दिखाया। बाद में सब खुश हो जाते हैं, घर वाले भी खुश हो गए थे, कहते हैं चलो खुश तो हो जाता है सही आई है, कम से कम एम तू श्योर। कहीं अच्छी जगह तो हो गया हाँ ये तो है, है। अच्छी जगह गए थे। तो अब हाँ जी हाँ आगे जी, क्या सोचा है, आगे मिलने वाले हैं वो आपसे या फिर कहीं जरूर आप क्यों दावा नहीं, बोल देंगे? बिल्कुल दवाई बोलना पड़ेगा, ऐसे तो मिलते नहीं है। जब मौका भगवान लगेगा तो कम से कम दो तीन बार तो अच्छे से, मतलब इस बार तो मेरा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि, मतलब मुझे किसी ने कुछ इशारा भी नहीं किया कि यार चलो हो गया हो गया, देख लिया फोटो खींच ली। मैम 2 2.5 घंटे बहुत होते हैं, बहुत बड़ी बात है। मतलब उनके साथ पवन चला गया तो फिर अर्पिता बैठ गई, फिर अर्पिता आ गई तो फिर पवन चला गया, फिर जब ये दोनों चले गए थे, जब उनका दोनों का साथ ड्यूट था तो फिर मैं भी बाहर आके ऑडियंस के बीच में आ गया, तो इन दोनों का अच्छा, आप सुना। इतने टाइम से इनको ऑन कैमरा मतलब शो में भी सुनते थे, लाइव शो टेलीविजन से सुना, फिर लाइव शो में सुना, हाँ जी सामने हाँ जी आमने सामने बैठकर सुना, कुछ हाँ जी हाँ जी, अंतर मतलब आता है? मतलब सबसे ज्यादा मजा किस में आता है आपको? सबसे ज्यादा मजा तो लाइव सुनने में ही आता है। आप जब सामने से सुन रहे होते हैं ना, उनका म्यूजिक सिस्टम इतना अच्छा होता है, हाँ बिल्कुल। और फिर सामने से आप देख रहे होते हो सबको, पारस गिटार प्ले कर रहा है और आपका साहिल बेस गिटार प्ले कर रहा है, फिर दूर दूर से देख के, जैसे अब सब लोग जानते ही हैं तो हाथ हिला देते हैं पब्लिक के बीच में, तो और थोड़ा छाती चौड़ी हो जाती है, ये सब जानते हैं। तो लाइव सुनने में तो अपना ही मजा है, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो आप टीवी में देखते हो या मोबाइल में या फेसबुक में या इंस्टा में देखते हो, जमीन आसमान का फर्क है। वैसे तो इंस्टा में भी या यूट्यूब में भी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन सामने से तो जमीन आसमान का फर्क है। जब आप लाइव सामने बैठ के देख रहे होते हो तो उनका साउंड सिस्टम बहुत अच्छा होता है, फिर सामने से देखने का मजा ही अलग है, मैं आपको क्या इमेजिन करूँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है। दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ जी हाँ जी, ठीक है हरीश जी, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत चलो धन्यवाद बस, आपका। और थैंक यू, अब देखती आपका हूँ भी आप, बहुत है, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू है मैडम, हरीश जी अब शुरू आप से अब देखती पता हूँ। नहीं किस चीज के लिए थैंक यू, आपका थैंक यू बहुत है बस। अरे बाप रे, बिल्कुल अब देखती हूँ अगली बार कहाँ धामा बोल रहे हैं आप, मैं इंतजार में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, थैंक यू, गुड डे, थैंक यू सो मच, थैंक बाय यू बाय। मैडम।